सावन मास में हरी हरी चूड़ियाँ। तो दोस्तों आप भी सब हरी चूड़ियाँ पहनिए। तो दोस्तों मैं भी आपका, तो दोस्तों शिव जी और गौरमैया मैंने बना बना दी हैं और अब मैं इनको रख देती हूँ। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो दोस्तों मैं बढ़िया हूँ, कैसे हैं आप दोस्तों? आज का ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ मंदिर से, क्योंकि आज मुझे दिखानी है सारी हमारी पहाड़ी रीति रिवाज हैं जो हमारे उत्तराखंड में ही होती होंगी, शायद बाहर भी होती होंगी, वही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सबको पता है कि आज हरेला बोए हुए 9 दिन हो गए, तो आज शाम को 9वें दिन में क्या किया जाता है और कैसे हरेला की पूजा वूजा की जाती है। सो दोस्तों यही दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे संग बने रहे। दोस्तों मैंने आगे आपको बताया था कि आज हम शिव पार्वती के डिग्री बनाते हैं, तो मैं कर रही हूँ डिग्री बनाने की तैयारी। और मैंने मैंने ले लिया ये दीमक वाली मिट्टी ले रखी है, मैंने इसको छान लिया था, थोड़ा मेरा गीला हो चुका था तो मैंने इसको सुखा रखा है, तो मैं इसको अब गूंदूंगी। गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी मैंने गूंद के कर ली है तैयार, अब मैं बनाती हूँ इनके शिव और पार्वती। तो चलिए, तो दोस्तों मैं बना रही हूँ अब शिव जी और पार्वती। ये शिव जी का मैंने मेन पार्ट बना दिया है, उतने बड़े तो मैं नहीं बनाऊंगी ऐसे, क्योंकि फिर ये लटक जाते हैं, तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मैं बना रही हूँ हाथ, दोस्तों शिवजी और गौरा जी तो मैंने बना दिए। अब मैं थोड़ा इनके आँख वगैरह बनाती हूँ जो चावल के दानों से हैं, उनको लगाऊंगी, तो आप देखते रहे कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शिवजी और पार्वती जी बनके हो गई है मेरी तैयार, ये देखिए। इतना अच्छा तो नहीं आता है, पर जो हमारी रीति रिवाज परंपराएं होते हैं उसको हमें निभाना जरूरी होता है, तो इसीलिए हम इनको बनाते हैं। और हमारी कुमाऊँ की जो रीति रिवाजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, सब जगह से अच्छी है हमारे कुमाऊँ के रीति रिवाज, तो हमारे उसमें ये चला कि हम डिग्रे बनाते हैं, तो उसको मैंने बना दी है शिव और पार्वती जी के डिग्रे मैंने बना दी हैं। शाम को जब हम हरेला बोलेंगे तो उसी समय इनको उसमें रख के फिर उसमें पूजा करेंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको सीधे शाम को। दोस्तों शाम को हरेला गोने के लिए, और तो मैं बाकी कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पूरे, मैंने भिगा दी थी सूजी आगे ही, तो अब मैं बना रही हूँ पोए जो प्रसाद में चढ़ाऊंगी। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हमने शिव और गौरा को टीका वगैरह भी ठेंडिया लगा दिया है और अपना भी लगा लिया है, अब हम करते हैं उनकी पूजा, फिर गोड़ते हैं हरेला और प्रसाद उसाद सब चढ़ा दिया भगवान जी को हमने। ये हमारा गोड़ने वाला है, कुटला गोड़ने वाला, गोड़ो ये देखो, हाँ हाँ लगा दो तो ये गोड़ा गया हरेला।
हमने तो बोल दिया दोस्तों। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों को आगे को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। देखिए एक साइड को पूरी धूप खिली है, जो कि कहते हैं हरेली में बारिश आती है। कितना प्यारा सुंदर व्यू लग रहा है। अभी हमारे वहाँ तक धूप नहीं पहुँचे क्योंकि हम थोड़ा गहराई में रहते हैं। और एक साइड को देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के से, और वहाँ का देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सब व्यू लग रहा है, एकदम से सुंदर। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए क्या मस्त नज़ारा लगता है हमारे घर से, बहुत सुंदर। थोड़ा गहराई में फिर भी उसके अपने उसकी बावजूद भी हमारे घर से इतना प्यारा व्यू दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों सभी को ये हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हरेला वगैरह काट दिया क्योंकि मैं थोड़ा किचन में बिजी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई और प्रसाद वसाद सब बना लिया था। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अभी हरेली का बजरी है और ये हमारे गौरा और शिव जी हैं, इनको हम विसर्जित करेंगे नदी में। आज तो शनिवार हो गया, शनिवार होने के कारण आज नहीं करेंगे, तो कल शनिवार सॉरी इतवार को के दिन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा उत्तराखंड रीति रिवाज पे ये वीडियो, कैसे लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।